Hello students, I am Naresh Bhod. Welcome you all on my YouTube channel Education Handa. Today we study the 10th class CBSE HBSE textbook First Flight, First Poem, The Dust of Snow, written by Robert Frost. Let's read the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. फर्स्ट स्टैंजा देखिए, पोएट एक पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं और पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ है जो कि कुछ गतिविधि करता है, जिसे पोएट के ऊपर कुछ डस्ट जो है वो गिर जाती है. ये डस्ट जो है ये कोई आम धूल या मिट्टी नहीं है, ये डस्ट ऑफ स्नो है, यानी कि बर्फ की छोटे छोटे जो कण होते हैं वो है. हेमलॉक जो कि एक धतूरे का पेड़ है, पॉइजनस प्लांट है. पॉइजनस प्लांट और ये क्रो दोनों को ही हम समाज में जो है ओमन्स मानते हैं, अपशकुन मानते हैं. तो पोएट क्या कहना चाहते हैं, कुछ ओमन समझी जाने वाली चीज़ों के जरिए क्या संदेश देना चाहता है, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. दावे का मतलब वो तरीका कौन सा उस कौवे ने यूज़ किया, ये स्पेसिफाइड नहीं है. शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो, उस बर्फ के कणों को, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से. तो ये था फर्स्ट स्टैंजा. प्यारे बच्चों, फर्स्ट स्टैंजा में आपने उम्मीद है समझ में आया होगा, इसमें हम लिटरेरी डिवाइस क्या यूज़ किए गए हैं वो हम सबसे पहले हम करते हैं राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम क्या होती है, देखिए बेटा, ये है क्रो स्नो मी ट्री, तो ये एक दूसरे से जो है ना आवाज़ में कुछ मिलती जुलती है. जैसे क्रो हो गया, मान इसको ए मान लेते हैं, ये मी को बी मान लेते हैं, क्रो सुनो ये मिलती जुलती है तो ये ए ही हुआ, मी ट्री ये बी हुआ, तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या हुई, ए बी ए बी. दूसरा लिटरेरी डिवाइस हम यूज करते हैं वो है, देखिए, एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है बेटा, रिपीटिंग ऑफ सेम कंसोनेंट्स या वावल साउंड, रिपीटिंग ऑफ सेम वावल साउंड टू और थ्री टाइम्स. तो ये देखिए, सुक डाउन ऑन, तो ये ओ साउंड यहां पर जो है वो प्रोमिनेंट है, ओ साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको हम एसोनेंस कहेंगे. और तीसरा है हमारा एंजॉयमेंट. एंजॉयमेंट क्या होता है, देखिए, एंजॉयमेंट होता है बेटा रनिंग ओवर ऑफ ए सेंटेंस फ्रॉम वन लाइन ऑफ वर्स इनटू द नेक्स्ट. देखिए, एक लाइन से दूसरी लाइन, यहाँ देखिए क्रो मी स्नो ट्री, तो कंटिन्यू जो है वर्स वो चल रही हैं, लेकिन कोई स्टॉप या कोमा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसी ऐसी परिस्थिति को हम एंजॉयमेंट कहते हैं. ठीक है, नंबर चार भी नंबर यही जो है इसमें पोएम में लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है. तो नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है ये हम अब पढ़ते हैं. देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा है हैज गिवन माई हार्ट. इससे क्या हुआ, जो क्रो की जो एक्टिविटी है उससे मेरे हृदय में ए चेंज ऑफ मूड, और मेरा जो मन है वो बदल जाता है, यानी कि कवि जो है
फर्स्ट एंजा के अंदर डिस्पेयर का सीन क्रिएट करना चाहते हैं, वो निराशा में है, लेकिन सेकंड स्टेंजा में कहते हैं कि जो कौवे ने एक्टिविटी की उसकी वजह से कवि का जो हृदय है और जो मूड है वो बदल गया है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, और उसके दिन का जो हिस्सा था यानी कि जो पश्चाताप में बीतना था वो अब बच गया है। यानी कि कवि ये कहना चाहता है कि कोई भी चीज़ ओमन समझी जाने वाली भी हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होती है, हो सकती है, तो हमें इन चीज़ों को जो है हेमलॉक या क्रो इनको अपशकुन नहीं मानना चाहिए। तो ये थी सेकंड स्टेंजा। अब इसमें लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ पोएट ने किए हैं वो देखिए, हैज़ हार्ट, हैज़ और हार्ट जो है दोनों ही क्या है बेटा, ये कंसोनेंट साउंड है, इसको हम एलिट्रेशन कहेंगे, एलिट्रेशन। रिपीटिंग कंसोनेंट साउंड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ठीक है भाई, सेकंड यूज किया है इसमें एंजामेंट, एंजामेंट क्या होता है, वही सेम सेंटेंस रनिंग इन फोर और थ्री लाइंस विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, वो होता है एंजामेंट। नंबर थ्री क्या है, नंबर थ्री है देखिए, ये भी एलिट्रेशन है, सेम सम क्या हुआ, ये एस साउंड जो है ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी हमारा एलिट्रेशन हुआ, एलिट्रेशन। अब फोर्थ नंबर क्या दिया है इसमें पोएट ने, देखिए डे हैड रूड, यहां पर क्या है, यहां से डे साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, डे साउंड, डी साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है, तो डी साउंड लगातार यूज हो रहा है, तो इसको ऐसी परिस्थिति में जो कंसोनेंट साउंड होता है वो रिपीट हो रहा है तो उसको कंसोनेंस कहेंगे, कंसोनेंस। रिपीटिंग द सेम वो कंसोनेंट साउंड अगेन एंड अगेन इन द स्टार्टिंग, इन द मिडल और इन द एंड, ये होता है कंसोनेंस। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये आपको पोएम समझ में आई होगी, आशा करता हूँ ये आप इसको पसंद करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।